हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के डेस क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जीडीसी की जो वैकेंसीज आपकी आई हुई है उसमें आप आरआरबी जेई की पोस्ट जो है पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से डालोगे। इससे मेनली आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैंने पोस्ट जो है आपकी जीडीसी में जो आई हुई है वैकेंसीज उन सारे पोस्ट का मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। आपको पता होगा इसमें प्रोडक्शन यूनिट हो गया, सोर्स डिपार्टमेंट हो गया और वर्कशॉप की जो पोस्ट है आपकी जीडीसी की वैकेंसीज में नहीं है। तो वो सारी जो जेई की पोस्ट है इस वीडियोज में मैंने इंक्लूड नहीं किया है। और बाकी जितने भी सारे आपको यहाँ पे पोस्ट दिख रहे होंगे किसी न किसी जोन में इन सारी पोस्ट की जो वैकेंसीज जो है आई होगी। और देखो, पोस्ट का प्रेफरेंस स्टार्टिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो आपने कोई पोस्ट का प्रेफरेंस दिया हुआ है स्टार्टिंग में और अगर आपको वही पोस्ट पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर लाइफ टाइम जो आपको जॉब करनी पड़ेगी उसी पोस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए पोस्ट का सिलेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके बाद इसमें और भी क्या प्रॉब्लम आती है कि सपोज़ आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो बंदे होते हैं ना वो भी दूसरे अदर ब्रांच के पोस्ट में भी एलिजिबल होते हैं। जैसे कुछ पोस्ट उनके मैकेनिकल के साथ और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कॉमन होती है, कुछ सिविल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है उनके साथ वो भी कॉमन होती है। तो इलेक्ट्रिकल हो चाहे कोई भी ब्रांच आपका हो, पहला प्रेफरेंस क्या देना आपको जब भी आप पोस्ट का प्रेफरेंस डालते हो तो उस टाइम माइंड में ये रखना है कि मुझे सबसे पहले अपना कोर ब्रांच जो भी हो आपका इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो सबसे पहले आपकी जो कोर ब्रांच से रिलेटेड पोस्ट रहेगी उसका प्रेफरेंस जो है सबसे पहले देना है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे तीन चार जो जोन की अलग अलग वैकेंसीज की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है अलग अलग जोन की जो वैकेंसीज आई हुई है उसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से हम लोग डालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सारे पोस्ट की जो है सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो, इनकी एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई किस पोस्ट की क्या काम रहती है। उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से आपको एक प्रेफरेंस बनाऊंगा और फिर आपको अगर लगे कि नहीं सर ने सही बताया कि नहीं जो प्रेफरेंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको भी आप उस तरीके से रख सकते हो तो नो डाउट आप जब फॉर्म फिलअप करोगे वैकेंसीज जब आपके प्रेफरेंस डाला जाएगा तो उस तरीके से आप वहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। अब देखो सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे आप देखोगे जो ओपन वैकेंसीज जब निकलती है तो उस टाइम जो है कुछ पोस्ट वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट की जो जेई की पोस्ट होती है ना तो प्रोडक्शन यूनिट की पोस्ट मिल जाएगी, वर्कशॉप की मिल जाएगी, लेकिन उन सारी पोस्ट की यहाँ पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। ये जो आपको चार पोस्ट यहाँ पर दिख रही होगी सिविल की, वर्क्स, पीवीए, ब्रिज और ट्रैक मशीन्स, पहले इनका एक काम समझते हैं कि इनका काम क्या होता है, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आपको एक आइडिया लग जाएगा नहीं अगर मैं इस पोस्ट पर मेरा अगर सिलेक्शन होता तो मुझे ये ड्यूटी मिलने वाली है। ठीक है, देखो वर्क्स जो डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग जब जाओगे आप तो डिपार्टमेंट इसको IOW भी बोलते हैं। IOW का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स। वर्क्स के क्या समझ में आता है भाई, देखो कहीं पर भी जब आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे जो रेलवे की क्या होती है क्वार्टर्स होती है, उन क्वार्टर्स का भी तो मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ता होगा कि कुछ भी प्रॉब्लम आ गई या कुछ नया बनाना भी है या उसका कुछ मेंटेनेंस करना है। तो ये सारा जो मेंटेनेंस वगैरह हो चाहे कुछ उसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्वार्टर से रिलेटेड जो भी काम रहेगी, ये सारा काम जो दिखता है सिविल डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है वर्क्स से। ठीक है, ये वर्क्स देखता है ये सारा काम। ये आपको यहाँ पे एक आइडिया लग गया, ठीक है भाई अगर मेरा वर्क्स डिपार्टमेंट मान लो अगर आपको मिलती है तो एक फिक्स्ड प्लेस रहेगी सबसे पहले, तो उसके बाद आपके यहाँ पे शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलेगी और हर शिफ्ट के बाद यहाँ पर आप घर आओगे। ठीक है, इस बात की ये गारंटी यहाँ पर आपको मिल जाती है कि इसमें वर्क्स डिपार्टमेंट में, ये समझ में आपको आ गया। चलो ठीक है, फिर पीवे की बात करते हैं। पीवे होता है क्या, परमानेंट वे होता है, परमानेंट वे। अब आप जैसे सुनते हो कि ट्रैक मशीन्स, ट्रैक मेंटेनर वगैरह जो होते हैं, ट्रैक मेंटेनर के जो ग्रुप डी वाले स्टाफ होते हैं वो परमानेंट वे की जो जेई वाली पोस्ट है उसके अंडर में काम करते हैं। इसका क्या काम रहता है, जो ट्रैक बनी रहती है इसका इंस्पेक्शन करना और मेंटेनेंस करना। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस जो होती है ट्रैक की, जो मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन होगी वो कौन करता भैया, परमानेंट वे जो पीवे वाला डिपार्टमेंट होता है। आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे जो ट्रैक के बगल में काम करते हैं वो सारे बोलते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, ना वो बोलता है कि मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। इंजीनियरिंग का मतलब ही रेलवे में मतलब क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, और बाकी सारे अगर इंजीनियरिंग की बात करेगा तो वहाँ पर बोलेगा कि हाँ मैं मैकेनिकल से हूँ या इलेक्ट्रिकल से हूँ, लेकिन अगर नॉर्मल सिर्फ अगर इंजीनियरिंग लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझ में आना चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। और पीवे में आपको मैंने बताया यहाँ पर क्या काम होता है, पीवे में जो इस ट्रैक का जो मेंटेनेंस रहेगी चाहे इंस्पेक्शन रहेगी सारा काम रहेगा। तो इससे ये भी चीज़ समझ में आ गया, चलो ठीक है यार इसमें एक दो स्टेशन के बीच का एक कहीं सेक्शन मिल जाएगा, उस सेक्शन में आपको ट्रैक को मेंटेन करना है और उसका इंस्पेक्शन करना रहेगा एज एस जेई आप जब इंचार्ज यहाँ पे रहोगे। तो इसमें भी आपकी जो है ट्रैवलिंग अलाउंस या किलोमीटर अलाउंस जो बोल सकते हो आपकी थोड़ी बनती है एक्स्ट्रा पेमेंट जब आपका इसमें कैलकुलेशन होता है, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो ये थोड़ा फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क इन द सेंस कि आपको भाई आपको ओपन लाइन में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रैक कहाँ है भैया, ओपन लाइन में है, तो ये आपकी ओपन लाइन वाली जॉब होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या, ब्रिज।
तो ये आपको समझ में आ गया कि पीवे वाले जो रहते हैं वो इंस्पेक्शन करते हैं और या तो और क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ट्रैक को। ब्रिज क्या हो गया, जो नई भी जहाँ कहीं भी ब्रिज बनती होगी तो उसके लिए भी सिविल इंजीनियरिंग के एक अंदर डिपार्टमेंट है ब्रिजेज, तो ब्रिज वगैरह में जो भी नई ब्रिज बनेगी या ब्रिज का जो मेंटेनेंस वगैरह होता होगा तो ब्रिज डिपार्टमेंट करता होगा। ट्रैक मशीन क्या करता है, मान लो कि आप देखते हो कि मुझे नया ट्रैक बिछाना है, तो वहाँ जो ट्रैक बिछती है और ये जो सीमेंट वाला ये वाला जो पार्ट देखते हो या जो पड़ी हुई रहती है इसको क्या बोलते हैं, इसको स्लीवर बोलते हैं। मान लो अगर कहीं नई ट्रैक बननी है तो ट्रैक मशीन एक रहता है भैया, ट्रैक मशीन में का आप इंचार्ज रहोगे और वहाँ पे आपको एज ए इंचार्ज के तौर पे काम करना पड़ेगा जब नई लाइनें बिछेगी, या फिर मान लो यहाँ पे पहले से लाइन बिछी हुई होगी और इसको फिर यहाँ से हटाना है तो उसमें भी भाई ट्रैक मशीन की जो जेई के जो इंचार्ज होते हैं उनका यहाँ पे ड्यूटी रहता है। तो ट्रैक मशीन में क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको 21 डेज़ के लिए सपोज आपको एक बाहर मतलब किसी सेक्शन में भेज दिया जाएगा, फिर 9 डेज़ के लिए आप घर पर रहोगे, क्योंकि भाई ट्रैक जो नई बन रही है वो कहीं पर भी बन सकती है, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग एक जोन के अंदर में होगी, समझ रहे हो, वो जोन बहुत बड़ा होता है, या जो डिवीज़न में जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वो डिवीज़न आपका बड़ा रहेगा। तो ट्रैक मशीन में आपको ये है कि आपको उस टाइम पीरियड तक वहाँ पे बाहर रहना, बाकी का टाइम आपको घर पे रहना। तो हमको ये चीज़ समझ में आया कि यार सबसे बढ़िया मेरे को दिखा कि वर्क्स डिपार्टमेंट है, कुछ नहीं करना भैया मेरे को, क्या करना है मेंटेनेंस देखना क्वार्टर वगैरह का। फिर पीवे में देखा मैंने भाई क्या देखा कि जो आपकी ट्रैक रहती है उसकी मेंटेनेंस भी करनी है और यहाँ पे उसका इंस्पेक्शन करना, फिर ब्रिजेस को ले लो और फिर ट्रैक मशीन्स के ले लो। तो इस तरीके से अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की तौर पे अगर मुझे जिस जोन से मैं फॉर्म भरता और अगर मान लो ये सारी मेरी पोस्ट अगर सिविल ब्रांच से रहती तो मैं क्या करता इसको इस तरीके से प्रेफरेंस में डालता। पहले क्या करता, पहले वर्क्स को मैं रखता, फिर पीवे को रखता, फिर ब्रिज को रखता, फिर ट्रैक मशीन्स को रखता, ठीक है। और क्या होता है कि सिविल इंजीनियरिंग के बंदे भी बहुत सारे अदर ब्रांच के भी पोस्ट जो रहती है ना उनसे वो कॉमन उनकी पोस्ट रहती है, तो वो अभी हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो आपकी जो कोर ब्रांच की जो पोस्ट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है और कोर ब्रांच में भी जो सबसे अच्छा पोस्ट रहेगा उसको टॉप प्रायोरिटी में रखना, और सबसे बॉटम में किसको रखना है, सबसे बॉटम में आपकी कोर ब्रांच, जो आपकी कोर ब्रांच में स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में सबसे पहले तो कोर ब्रांच की सबसे बेस्ट पोस्ट, उसका धीरे धीरे उसके जो कोर ब्रांच में जो सबसे मतलब आपको जो अच्छी नहीं लग रही होगी उस पोस्ट को रखना है, और बाकी उसके नीचे क्या करेंगे अगर किसी दूसरे ब्रांच के कॉमन पोस्ट में अगर आप एलिजिबल हो तो उसको यहाँ पे नीचे में आप कोर ब्रांच के नीचे रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो सिविल की बात होगी, अब इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले को देखो क्या है, जनरल सर्विस है, TRS ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, TRD ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, और EMU क्या होती है, जो आपके लोकल जो ट्रेंस होती है ना वो EMU के अंडर में आती है, और डीजल इलेक्ट्रिकल। तो इसमें क्या काम रहेगा, जनरल सर्विस का देखो काम क्या रहेगा, सेम चीज़ आपने देखा पिछले बार में, अभी देखा पिछली स्लाइड में कि जो सिविल इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट रहते हैं वो क्वार्टर वगैरह के मेंटेनेंस करते हैं, तो भाई क्वार्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह जो सारा चीज़ देखा जाएगा वो इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है उसके अंदर जो पोस्ट आपकी जनरल सर्विस वो सारे लोग वहाँ पे देखते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये जनरल सर्विस का काम रह गया। TRS की बात करो, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, देखो ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि आप जो लोकोमोटिव देखते हो, जो इंजन देखते हो रेलवे की, ठीक है, चाहे हरा कलर का देखते हो जिसको WAG-9 बोलते हैं, या पुराने वाले WAG-7, WAG-5, WAP-7, मतलब कोई भी अगर लोकोमोटिव्स अगर आ जाती है तो उन लोकोमोटिव्स का जो मेंटेनेंस होता है वो कौन सा ब्रांच मतलब देखता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का TRS पोस्ट देखता है। तो जहाँ पर भाई एक TRS लोको शेड रहता है, ठीक है, उस लोको शेड के अंदर में ये सब सारा काम होता है, उस लोकोमोटिव का मेंटेनेंस वगैरह सारा चीज़ होता है, उसमें भी उस लोकोमोटिव में कुछ मैकेनिकल पोर्शन होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल पोर्शन होता है। आपको कौन सा पोर्शन चेक करना है उसमें, उसमें आपको इलेक्ट्रिकल वाला जो पोर्शन रहेगा वो सारा चीज़ आपको वहाँ पर देखना रहता है। तो ये भी आपका एक फिक्स्ड प्लेस और शिफ्ट वाइज ड्यूटी का आपका क्या रहता है, शेड्यूल बना हुआ इसमें रहता है, ठीक है। TRS में आपको समझ में आ गया भाई, एक जगह में हमको फिक्स्ड ड्यूटी रहेगी, शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगी, और आपको लोकोमोटिव से संबंधित इसमें कार्य रहेंगे। अब TRD की बात करते हैं, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, और जब गाड़ी जब चलती है भैया तो गाड़ी के ऊपर क्या रहती है, OHE लगा हुआ रहता है, ठीक है, जहाँ से आपकी 25 kV की सप्लाई आती है। तो ये जो OHE जो तारे बिछी होती है भाई एक सेक्शन में, तो उसकी भी तो मेंटेनेंस चाहिए ना, तो उसकी जो मेंटेनेंस का जो कार्य होता है वो TRD ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वाले करते हैं, ठीक है, OHE से रिलेटेड ओवरहेड इक्विपमेंट बोला जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा यार कि इस पर भी एक ओपन सेक्शन मिल जाएगा और वहाँ पर आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। मान लो कहीं भी अगर आपका OHE का फेलियर हो गया, मान लो हो गया, तो फिर एज ए इंचार्ज आपको वहाँ पर जाकर उसको अटेंड भी करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना पड़ेगा। बात करते हैं EMU क्या, आपकी लोकल ट्रेन जो रहती है, तो जिस तरीके से आपने देखा कि TRS में जो है लोकोमोटिव इंजन्स की लोको सेड होती है, उसी तरीके से EMU की भी अपनी एक मेंटेनेंस की सेड होती है, उसकी पूरी जो रेक होती है जिसको हम लोग लोकल ट्रेन बोलते हैं ना, उसकी मेंटेनेंस होती है। तो उसमें जो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो होती है उसमें एक EMU सेड होता है जहाँ पे आपकी एक पोस्टिंग हो जाती है। अब डीजल इलेक्ट्रिकल क्या है, देखो डीजल पहले जो लोको चलती है, डीजल वाली जो गाड़ी इंजन होती है उसमें भी देखना कुछ पोर्शन जो होती है
कोई भी गाड़ी रहता है ना उसमें भाई मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल का कॉम्बिनेशन रहना ही है। तो मैकेनिकल वाला पोर्शन जो होता है मैकेनिकल ब्रांच का बंदा देखेगा, और इलेक्ट्रिकल वाला जो पोर्शन रहता है वो कौन देखेगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो बंदे रहेंगे वो देखते हैं। तो इसमें भी जो डीजल वाली इंजन रहेगी, जो एक डीजल का शेड रहेगा, क्या रहेगा, डीजल शेड रहेगा, उस डीजल शेड में उस डीजल लोकोमोटिव का जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन रहेगा वो भाई कौन देखेगा, जो डीजल इलेक्ट्रिकल का जेई वाला इंचार्ज बंदा रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुझे कोर ब्रांच में अगर पोस्ट प्रेफरेंस डालना रहता तो मैं क्या डालता, पहले अगर मेरे उसमें ये सारी वैकेंसीज अगर अवेलेबल रहती तो मैं जनरल सर्विस को डालता, फिर टीआरएस को डालता, फिर टीआरडी को डालता, फिर एएमयू को डालता, फिर डीजल इलेक्ट्रिकल को। अगर आप चेंज करना चाहते हो कि आपको लगता नहीं मेरे को ओपन लाइन वाला टीआरडी वाला में काम करना, मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा क्या करना, ट्रैवलिंग अलाउंस जो होती है किलोमीटर भी बनती है उसमें वो कमाना है, तो भाई आप टीआरडी को ऑप्ट कर लो, ठीक है। आपको लगे नहीं भाई मेरे को आराम से रिलैक्स होकर काम करना तो जनरल सर्विस कर लो, एक जगह फिक्स बैठना तो टीआरएस कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस आप इलेक्ट्रिकल वाले भी डाल सकते हो। और बात करते हैं क्या मैकेनिकल, मैकेनिकल का मैं देखो यहाँ पे दो ही पोस्ट मैंने लिया हुआ, सीएनडब्ल्यू कैरेज एंड वैगन और डीजल मैकेनिकल। देखो दो पोस्ट लेने का मतलब ये हुआ कि जीडीसी की जो वैकेंसीज है ना उसमें सिर्फ आपको यही सेफ्टी कैटेगरी में ये सारे दो पोस्ट आपको ज़्यादातर जोन में देखने को मिलेगा, बाकी स्टोर डिपार्टमेंट हो गया या फिर आपका प्रोडक्शन यूनिट हो गया या फिर आपका वर्कशॉप हो गया, तो ये सारे जो आपके पोस्ट जो है आपको कॉमनली यहाँ पे इस जीडीसी की वैकेंसीज में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है, देखो कैरेज का मतलब क्या होता है भाई, कैरेज का मतलब होता है जो पैसेंजर गाड़ी का जो आप कोच देखते हो ना, तो ये उससे रिलेटेड रहता है, पैसेंजर कोच से रिलेटेड रहता है। और वैगन का मतलब होता है यहाँ गुड्स ट्रेन की जो वैगन होती है, जो डब्बे होते हैं मालगाड़ी के, उनकी उनसे ये रिलेटेड रखता है, गुड्स की जो वैगन होती है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया हो कि एज ए अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में आते हो तो पैसेंजर कोच या तो जो की गुड्स के जो डब्बे होते हैं वैगन्स होती है उनकी मरम्मत करनी पड़ेगी। तो आपको हो सकता है कोचिंग में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और या तो गुड्स में भी पोस्टिंग हो सकती है, ये भी आपका एक फिक्स प्लेस में पोस्टिंग होती है जिसको हम डिपो वगैरह बोलते हैं। तो उस तरीके से अगर आपकी सीएनडब्ल्यू में भाई एज ए मैकेनिकल ब्रांच अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस डालते हो तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको कोर ब्रांच जो है ना कोर ब्रांच से रिलेटेड जो पोस्ट रहेगी उसको डालना है, उसके बाद जो कॉमन जिस अदर ब्रांच से एलिजिबल हो उसके बाद उसको नीचे डालो। और डीजल मैकेनिकल में जो डीजल लोकोमोटिव्स होती है उसमें जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं कंप्रेशर लगी रहती है, टर्बाइंस लगी रहती है, तो उन सारे का काम भैया आपको यहाँ पर डीजल शेड में देखना रहता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करने वाले हैं जिसमें टेलीकम्युनिकेशन एंड सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन का वो मीडियम होता है जिससे आप क्या करती है भाई कि जितने भी स्टाफ होते हैं रेलवे के अंदर में वो जो एक दूसरे के स्टाफ से कॉन्टैक्ट करते हैं, वायरलेस कॉन्टैक्ट जो करते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन मीडियम से ही करते हैं। तो उनका जो मेंटेनेंस होता है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखते हैं, और सिग्नल का जो भी मान लो कुछ फेलियर हो गया या कुछ भी हो गया या सिग्नल नया इंस्टॉल करना है तो वो सब सारा चीज़ कौन देखेगा, वो सारा चीज़ देखेगा सिग्नल डिपार्टमेंट। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ब्रांच है तो अगर उसमें टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो ब्रांच को तो पहले टेलीकम्युनिकेशन को रखना, उसके बाद सिग्नल को रखना। तो ये आपको यहाँ पे इंडिविजुअली मैंने ब्रांच वाइज समझाया कि देखो अगर आपकी पोस्ट सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, तो कोर ब्रांच में आपको किस तरीके से पहले पोस्ट को रखना है, ठीक है। अब सपोज आपने क्या किया, कोर ब्रांच में आपने पोस्ट को रख लिया लेकिन आपने क्या देखा कि सिविल वाला बंदा है मान लो कोई दूसरे ब्रांच के पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो अब प्रेफरेंस किस कैसे डालेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तीन से चार अलग अलग जोन के एग्जांपल लिया हुआ। देखो ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का है, इसमें देख सकते हो नेम ऑफ दी पोस्ट, ये अलग अलग जेई की यहाँ पे पोस्ट है। अब मान लो ये वाली अगर हमको वैकेंसीज फॉर्म फिल करना है, कोई बंदा अगर मान लो यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे का होगा तो इससे आपको आइडिया लगेगा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि टीआरडी की पोस्ट है, टीआरएस की पोस्ट है, जीएस की पोस्ट है, ब्रिज की पोस्ट है, पीवे वर्क, सीएनडब्ल्यू सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। मान लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा होगा तो अगर वो इलेक्ट्रिकल का बंदा होगा और पोस्ट प्रेफरेंस डालेगा तो हो सकता है वो जो पीवे और ब्रिज ये जो सिविल के डिपार्टमेंट है वर्क्स इसमें वो एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन देखो वो टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पोस्ट है, आपकी कोर ब्रांच की पोस्ट है, बट दे आर ऑल्सो एलिजिबल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मतलब वो अगर इलेक्ट्रिकल वाला कोई बंदा होगा तो ये जो कॉमन वाली पोस्ट है ना वो यहाँ पर वो एलिजिबल रहेगा। इस कंडीशन में पहले वो अगर पोस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट करता है तो सबसे पहले उसको ये करना है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सबसे अच्छा मेरा कोर पोस्ट कौन सा, तो मैं बोलूँगा यार जनरल सर्विस को पहले रख लेता हूँ, ठीक है, फिर टीआरएस को रख लूँगा, फिर उसका टीआरडी को रख लूँगा, उसके बाद अगर अदर ब्रांच जैसे मैंने सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी एलिजिबल हूँ और सीएनडब्ल्यू के लिए भी एलिजिबल हूँ तो फिर मैं देखूँगा कि यार मेरे को मैकेनिकल वाला में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स वाला में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो मैं उसको क्या करूँगा, टेलीकम्युनिकेशन को नीचे रखना है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन को नीचे रख लो, उसके बाद सिग्नल को डाल दो और सबसे बॉटम में आप सीएनडब्ल्यू को डाल दो। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई अगर बंदा इलेक्ट्रिकल का बंदा अगर कोई फॉर्म भरेगा तो अपना सबसे पहले कोर ब्रांच को रखने वाला है, ठीक है, सबसे पहले कोर ब्रांच में जो उसकी सबसे अच्छी पोस्ट रहेगी उसको टॉप पे रखना है, उसके बाद नीचे जब वो कॉमन अदर ब्रांच से रिलेटेड अगर किसी पोस्ट में वो एलिजिबल रहता तो उसको नीचे रखते चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका किसी एक जोन का एग्जांपल मैंने बताया। उसी तरीके से देखो यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, इसमें क्या क्या दिख रहा होगा, इसमें देखो इलेक्ट्रिकल ये जी का मतलब हो गया जनरल सर्विस, टीआरएस, टीआरडी, सीएनडब्ल्यू, डीजल मैकेनिकल, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका हो गया डीजल इलेक्ट्रिकल, हो गया डीजल इलेक्ट्रिकल, वर्क्स, पीवे, ब्रिज, टेलीकम्युनिकेशन। तो कोई सिविल वाला बंदा रहेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, बोलेगा भाई वर्क्स है ना, सबसे पहले मैं वर्क्स को रखूँगा। फिर अगर जो सिविल ब्रांच है भाई तो आप सबसे पहले क्या करोगे भाई, जो कोर वाली जो पोस्ट है, फिर बोलेगा नहीं मेरे को पीवे रखना है, फिर क्या रखना भैया ट्रैक मशीन को रखना है। उसके बाद अगर वो किसी मान लो मैकेनिकल के किसी CNW पोस्ट के लिए अगर वो एलिजिबल हो जाता है तो CNW को सबसे पहले क्या रखेगा, सबसे पहले वो नीचे में रखेगा। तो इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस हमें देना है, समझ में आ गया कि सबसे पहले अपने को कोर ब्रांच का पोस्ट देना है, प्रेफरेंस देना है, और कोर ब्रांच में भी जो सबसे अच्छा आपको लग रहा होगा उसको रखना है, टॉप पर रखना है। अब ये देखो नॉर्दर्न रेलवे की है, नॉर्दर्न रेलवे में आप यहाँ पर देख सकते हो पीवे की पोस्ट है, वर्क्स की पोस्ट है, CNW मैकेनिकल की पोस्ट है, उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस की होगी, फिर इलेक्ट्रिकल DRD है, उसके बाद नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिकल हो गया और TRS हो गया। तो भाई आप इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले फंडा कोर ब्रांच में सबसे अच्छी पोस्ट कौन से है जो मैंने अभी डिस्कस किया था उसके हिसाब से उसको टॉप पे रखना, और कॉमन वाले जो ब्रांच वाली जो पोस्ट है उसको सबसे पहले नीचे में रख देना, ठीक है। इसी तरीके से आपके सारे वेस्टर्न रेलवे का देखो ये सारा पोस्ट है, तो वेस्टर्न रेलवे मान लो अगर आपकी ब्रांच सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने अभी दो पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल जो है अगर ये यहाँ पे वैकेंसीज रहेगी तो इनको टॉप पे रख देना है। और बाकी मान लो अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए भी अगर एलिजिबल हो तो इलेक्ट्रिकल में भी किसको रखना है, यहाँ पर जनरल सर्विस को रख देंगे, TRS को रख देंगे, समझ में आ गया होगा आपको। चलो तो इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस जो है हमको डालना है कहाँ पे, GDC की जो वैकेंसीज है, और ओपन वैकेंसीज में जो रहती है टोटल 69 JEE के पोस्ट होते हैं। कितने टोटल 69 JEE के पोस्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ जो सेफ्टी कैटेगरी के जो पोस्ट है ना वही इंक्लूड किया गया है, वर्कशॉप हो गया, प्रोडक्शन यूनिट हो गया, चाहे आपकी स्टोर डिपार्टमेंट की जो पोस्ट होती है JEE की, वो सारे पोस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं आपकी जोन कोई दूसरा है, इन चारों में से कोई अलग है, और उसमें भी अगर पोस्ट रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न आ रही होगी, ठीक है, तो कमेंट करना, उसको कमेंट करना कि मेरे भाई ये वाली ब्रांच है और ये वाली दूसरी कोई पोस्ट आपको दिख रही होगी तो उसको किस प्रेफरेंस में डालना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।